नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी टनल की बात की जाए तो 17वां दिन है और अब भी बस उम्मीद, और लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि पीएम की पूरी नजर है रेस्क्यू पर। ऑपरेशन में सेना जुटी हुई है, वर्टिकल ड्रिलिंग में तेजी लाई जा रही है, एक्शन में रेट माइनर्स भी हैं और रेस्क्यू का आज 17वां दिन है। और बड़ी खबर यह है कि देखिए पूरी नजर पीएमओ की है और लगातार जो अभियान है, जो ऑपरेशन है, वो तेज कर दिया गया है कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जाए, क्योंकि अब मैनुअल ड्रिलिंग किया जा रहा है रेस्क्यू का। आज 17वां दिन है। सिलक्यारा टनल में सेना की मदद से रेट माइनर्स तेजी से खुदाई कर रहे हैं और साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है। अब तक 52 मीटर तक की खुदाई कर ली गई। ड्रिलिंग के दौरान धातु मिलना अब कब हो गया है और ड्रिलिंग के दौरान कंक्रीट मिल रहा है जिसको काटने का काम किया जा रहा है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रधानमंत्री मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। तो ग्राउंड जीरो पर ड्रिलिंग का काम युद्ध स्तर पर जारी है और आपको एक एक जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुन लेते हैं। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा, तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। बड़े जो शुरू में गर्डर्स इत्यादि स्टील मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से राहुल प्रकाश जुड़ चुके हैं। राहुल, लगातार वहां से आप हमें अपडेट बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। जरा ये बताइए अब और कितना इंतजार, क्योंकि अब मैनुअल ड्रिलिंग हो गया है और हम लोग उम्मीद यही कर रहे थे कि जब मैनुअल ड्रिलिंग होगा भले वक्त लगेगा लेकिन अब हर्डल नहीं आएगा। जरा ये बताएं कि अब कहां तक पहुंचा है ये पूरा ऑपरेशन। देखिए, अब बहुत बड़ी खबर है कि 52 मीटर के करीब या उससे आगे हम बढ़ गए हैं और इसकी बात खुद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने जानकारी दी। हालांकि टेक्निकल टीम से हमारी बात हुई है जिन्होंने बताया है कि टनल का काम लगभग आज दिन या आज शाम तक पूरा किया जाएगा और ये उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम जो 41 जिंदगियां जो जद्दोजहद कर रही हैं उनको आज सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। और तस्वीरें आप देखें जो आज आपको हलचल दिख रही होगी, जो आज मूवमेंट दिख रही होगी, यानी कहा जाए कि एक तरह से पूरी तैयारी यहाँ की गई है और यहाँ आप सिक्योरिटी सेल के तमाम जो अधिकारी को देख रहे हैं, यहाँ मूवमेंट सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है, यानी जो पानी था उसको हटाया जा रहा है, यानी समझा जा सकता है कि कितनी तेजी से काम हो रहा है। 57 मीटर का जो दायरा है उसको पूरा करने में कितना वक्त लगेगा उसके लिए तैयारियां पूरी हैं। संभवतः आज दिन तक ये जो तैयारियां हो रही हैं माना जा रहा है कि उनको निकाल लिया जाएगा। ये 52 मीटर का जो पूरा दायरा है उसको पूरा कर लिया गया है और ये टनल के आसपास की तस्वीरें और जो हलचल जो ब्रीफिंग आप देख रहे हैं तमाम, ये माना जा रहा है कि एक एस्कॉर्ट बना के एक ग्रीन कॉरिडोर बना के निकालने की तैयारी होगी, जिसमें एक ट्रॉली के माध्यम से तो पहले उनको टनल से निकाला जाएगा क्योंकि ट्रॉली भी आ चुकी है और मैनुअल ट्रॉली उसको खींच कर अंदर निकाला जाएगा एक एक करके। उसके बाद जो 41 एम्बुलेंस को तैयार किया गया है उनको एक करके लाइन से अंदर भेजा जाएगा, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि उनको निकालने की तैयारी पूरी है। आप तस्वीरें देखें, ये सबसे अलग तस्वीर इसलिए भी हो जाती है कि जो हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा कब तक होगा, कब निकलेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से सारी तैयारियां हैं, जो 52 मीटर का दायरा क्रॉस हुआ है, सीएम का 2 बारी आना हो गया है, तो ऐसे में संभवतः उम्मीद की जा रही है। आप ये देखें कि सीएम सिक्योरिटी अभी भी ऊपर मौजूद है, लेकिन जिस तरीके के हम जो समझ पा रहे हैं कि जो टेक्निकल तौर पर कि उम्मीद की जा सकती है कि दिन तक या शाम तक ये पूरा कर पाएँ, क्योंकि अब तक जो हमने सुना है कि कल रात से ही मैनुअल ड्रिलिंग हुई थी, उन्होंने कई मीटर का 5 मीटर का दायरा कंप्लीट करने के बाद ये शिफ्ट चेंज की थी, तो उन्होंने बताया था कि जो कटर्स थे हिल्टी थे उनके जरिए मलबा निकाला गया और कोई दिक्कत उस पर नहीं आई। और आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि तैयारियां कितनी जोरों पर है। जो रूट है वो यही होगा जिस रूट पर हम खड़े हैं, इसी रूट से होते हुए हम
उन तमाम लोगों को यहाँ से लेकर निकलेंगे, और जो 41 जो एम्बुलेंस तैयार की गई है उनको इसी रूट पर लगाया गया है। अगर आगे मौजूदा स्थिति अगर आज के दिन की देखें तो तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो टेक्निकल विशेषज्ञ हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और ये इस बात की गवाही दे रहा है कि हम जल्द उन तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर ये होता है तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा, और ये कहा जाए कि जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो कितनी कारगर साबित हुई है ये भी देखने वाली बात होगी। हम जिस तरीके से तमाम चीज़ें आपको डे वन से बता रहे हैं, उस तस्वीरों में सबसे बड़ा हिस्सा टनल था, मुख्य टनल के अंदर से ही निकाला जाना था यही कहा जा रहा था। दूसरी तरफ जो वर्टिकल ड्रिल की हम बात कर रहे थे उसको भी 40 मीटर के आधे ले जाया गया, लेकिन जब उम्मीद अब मैनुअल से हुई तो मैनुअल काम जोरों से हुआ। रेट माइनिंग जिसकी हम बात कर रहे थे वो किस तरीके से पूरी तरीके से टनल के अंदर थे, और एकाएक करके शिफ्टिंग में उन्होंने 5 मीटर पूरी तरीके से, कहा जाए कि उनको एक नाम दिया गया है खोदू पार्टी, यानी खोद कर निकाल कर तमाम चीज़ों को साफ करना जो रेट करते हैं, वही चीज़ हम अंदर देख रहे हैं। और जो तस्वीरें हमने दिखाई है, जो हमने पहले विजुअल भेजे थे, उसमें आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से रेट माइनिंग होती है, और वही ट्रॉली जाएगी और ट्रॉली के माध्यम से तमाम उन 41 श्रमिकों को निकाला जाएगा। ये इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि आज पूरे देश की दुनिया की नज़र इस पर है, और अब हम जो तैयारियाँ देख रहे हैं, जो हलचल देख रहे हैं आपकी नज़रों में, जो आपको देख पा रहा है कि NDRF की टीम है, लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस की यूनिट है, तमाम यूनिट यहाँ पर है, और ये इसलिए यूनिट है कि यहाँ मूवमेंट जो है, तैयारियाँ जो हैं उस बात को लेकर है कि कैसे उनका एस्केप रूट, यानी उनको कैसे यहाँ से लेके जाएगा। जो ग्रीन कॉरिडोर की बात की जा रही है, चिन्यालीस और जो एक अस्पताल स्थायी बनाया गया है वहाँ उनको लेके जाया जाएगा, कोई बाधा ना हो, क्योंकि 17 दिन से अंदर हैं, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं के बीच में उनको लेके जाएगा। परिवार के लोगों को बता दिया गया है, जिस तरीके से उनसे बातचीत हो रही है उनकी बात भी हुई है, तो ऐसे में तमाम तैयारियां हैं। और मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं सिलक्यारा टनल के ठीक बाहर से है, और 52 मीटर का दायरा कम नहीं होता, यानी हम उस नज़दीक तक पहुँच चुके हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि आज एक अच्छी खबर मिले और जल्दी मिले, जिसका इंतजार पूरे देश को है, आपको हमको है, उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द पूरा हो। जी बिल्कुल, उम्मीद कर रहे हैं और जल्द पूरा होगा।